नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शिरडी साईं दरबार का एक ऐसा स्थान जहां पर लगातार भक्तों का जमावड़ा जुटा रहता है। शिरडी का साईं मंदिर या तो चर्चा के विषय में बनता है तो भक्तों की संख्या को लेकर के होता है, या यहां पर चढ़ने वाले अमूल्य उपहारों, अमूल धन संपदा को लेकर के होता है। लेकिन इन दिनों शिरडी से जुड़ा हुआ एक अन्य विवाद सामने आ रहा है। बात दरअसल उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर के है, जिसके चलते शिरडी को बंद रखा गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा बिखर गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साईं के जन्म स्थान को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। शिरडी में बंद का आयोजन किया गया है, हालांकि साईं मंदिर खुला है। ऐसे में मंदिर में साईं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो पहुंच रहा है, श्रद्धालु मंदिर तो पहुंच रहे हैं, और मंदिर के बाहर अच्छी खासी तादाद में भक्तों की संख्या देखी जा रही है। कतार में खड़े होकर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार साईं दरबार में कर रहे हैं, लेकिन शिरडी में बंद होने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं। इसी बीच विवाद बढ़ता देख उद्धव ठाकरे ने बातचीत की इच्छा जताई है। दरअसल इस विवाद का जन्म उस समय हुआ जब उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पाथरी में साईं बाबा से जन्म से जुड़े हुए स्थान की बात की। साईं बाबा से जुड़े स्थान पर सुविधाओं के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की। कुछ श्रद्धालु पाठरी को साईं बाबा का जन्म स्थान मानते हैं, जबकि शिरडी के लोगों का दावा है कि साईं बाबा का जन्म स्थान अज्ञात है और वो आकर के शिरडी में बस गए थे। परभणी जिले का पाथरी शिरडी से करीब 275 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है, और उद्धव ठाकरे ने इसे साईं बाबा का जन्म स्थान बताया और इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। यूं तो साईं बाबा के जन्म को लेकर साफ साफ जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वह शिरडी आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। इसके बाद से शिरडी की पहचान भी साईं से बनकर रह गई, और इस तरह से शिरडी के साईं बाबा को लेकर उद्धव ठाकरे के जन्म स्थान को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल हो उठा है, और इसी के चलते शिरडी में बंद का आयोजन किया गया है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।